दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो है जिन लोगों को कार चलानी नहीं आती उन लोगों को मैं कार चलाना सिखाऊंगा। जिन लोगों को कार चलानी नहीं है तो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट जो लोग सीख चुके हैं वो लोग बोलते हैं बहुत आसान है, बट मैं कहूंगा कि यार डिफिकल्ट तो है जिन लोगों को नहीं आता। तो आइए कुछ बेसिक मैं चीज़ पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं चला के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से किस वक्त किस टाइम पे गियर को चेंज करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें आइए देख लीजिए पहले, जैसे कि ABCD में होता है ABC, तो ये है अपना उस हिसाब से ABC, एक्सलेटर, ब्रेक, क्लच। ये है अपनी स्टेयरिंग और ये जो है अपना गियर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो कि बहुत इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। इसमें गियर्स दिए गए हैं कि किस तरह से गियर लगाना है। प्रकाश थोड़ा सामने से दिखा भाई। जो फर्स्ट गियर है वो उसको ऐसे और इस तरह से आगे जाएगी, जो कि आप डायरेक्शन देख सकते हैं। और जो सेकंड गियर है उसको कुछ नहीं करना रहता है, बस डायरेक्ट इसको नीचे ले आइए, सेकंड लग गई। और जो थर्ड का डायरेक्शन दिया गया है सीधा यहाँ से ऊपर थर्ड, और जो फोर्थ हम करते हैं वो इसे डायरेक्ट नीचे। एंड फिफ्थ गियर जब हमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है तभी हम लगाते हैं फिफ्थ गियर, ऐसे करनी है और इसको ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ। और ये रिवर्स है, रिवर्स के लिए मैं एक अगला वीडियो डालूंगा, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था। रिवर्स भी उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बट रिवर्स के लिए अब वेट करिए, रिवर्स मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट गियर से सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ तक मैं आज मैं बताऊंगा, फिफ्थ की तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं। तो फर्स्ट गियर देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे हम छोड़ते हैं। थोड़ा सा प्रकाश थोड़ा पीछे जा भाई। जैसे कि अभी देखिए, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, अभी जो है ये न्यूट्रल पे है। 4 BHK वाली बग्गी। अरे यार बंद हो जाए फेम। अभी ये न्यूट्रल पे है, स्टार्ट है गाड़ी, मैंने इसे फर्स्ट गियर पे डाली ऐसे फर्स्ट। जैसे ही आप नीचे दिखा, जैसे ही आप क्लच कुछ क्लच को आप छोड़ोगे गाड़ी आपकी आगे बढ़ने लगेगी। आपको एक्सीलेटर भी देने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। ये है फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर कुछ नहीं है, बस गाड़ी को स्टार्ट करके जब आगे चलाना है तब उसके लिए फर्स्ट गियर है। और अब सेकंड गियर बताएंगे, उसके लिए गाड़ी को थोड़ी चलानी पड़ेगी। आ जा कार में बैठ जा प्रकाश। तो हम फर्स्ट गियर में चल रहे हैं। फर्स्ट गियर में हम ज्यादा स्पीड में यूज कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ बड़े बम्पर्स पार करने के लिए फर्स्ट गियर होता है। तो जब भी हम गियर चेंज करेंगे तो हम लोगों को क्लच का यूज तो करना ही, अगर अब क्लच का यूज नहीं करना है तो महंगी गाड़ी खरीदो यार, क्लच ही नहीं होता उसमें, सिंपल सा बात है। लेकिन मैनुअली गाड़ी चलाने का मजा ही अलग होता है। तो जैसे कि अभी फर्स्ट गियर में चल रहा, बहुत बहुत 10 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। आप सीधा सीधी शायद देख पा रहे होंगे कि नहीं, पता नहीं, 10 की स्पीड में चल रही है। अगर इससे हमें स्पीड जाना है, 10 से ऊपर जाना है, 20-30 में चलाना है, जैसे इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंड गियर देना है, उसमें इंडिकेटर में आप देख सकते हैं कि सेकेंड गियर शो कर रहा है। आए गाय माता हट जा यार, गाय माता हट जाइए, थोड़ी जगह दीजिए हमें। गाय माता नहीं हट रही है रोड से, हम ही साइड से निकलेंगे। दूर हो गया यार क्लच। तो अभी भी गाड़ी चल रही फर्स्ट गियर में, बस आपको क्लच दबाना है और इसको डायरेक्टली नीचे खींच लेना है, तो सेकंड में आ गई गाड़ी। ये आपको लग रहा होगा कि सिंपल है, सिंपल तो है बट इजी नहीं है, आपको टाइम लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता तो आपको लग जाएगा गाड़ी सीखने में। जैसे कि एंड
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप बम्पर्स वगैरह पार करते हो तो सेकेंड गियर पे ही पार करें, बहुत इजीली और स्मूथली पार हो जाता है बम्पर्स। एंड जैसे कि हमें हल्की सी अभी स्पीड चाहिए, सेकेंड गियर में चल रहे हैं, हमें थोड़ी सी स्पीड चाहिए, हमें चलाना है 30-40 से ऊपर, तो हम थर्ड गियर को क्या करेंगे, बस थर्ड गियर क्या है, सिंपली ऊपर कर देना तो थर्ड गियर हो जाएगा। ऐसा ये थर्ड गियर पे लग गई हमारी गाड़ी, सिंपल और कुछ नहीं है। आपको गियर सिस्टम तो इजीली समझ में आ जाएगा, बट आपको स्टेयरिंग पे जो कंट्रोल है कि जैसे कि टर्न ले रहे हैं तो वो कितना घुमाना है कितना नहीं घुमाना है, वो चीज आपको चला के ही पता चलेगी। इस ऐसे हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इतना घुमा लो, आपको प्रैक्टिकली ही पता चलेगी कि इतना टर्न लेना। जैसे कि अभी मैं टर्न लेने के लिए मैं सेकंड गियर पे डाला थी, टर्न पर एक स्टेयरिंग घुमाई और फिर से वापस छोड़ दी तो अपने जगह पे खुद ही आ जाएगा। आपको ये नहीं कि उसको वापस से करना है, सिंपल। तो सेकंड गियर पे है अभी, मैं फिर से इसे थर्ड पे डाल रहा हूँ। आपको अगर स्पीड चाहिए तो आप गियर को बढ़ा सकते हो, और अगर आपको धीरे चलना है तो अकॉर्डिंगली आप उसे डिक्रीज कर सकते हो गियर को, मतलब कम कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी फोर्थ गियर पे, अभी सेकंड पे है, थर्ड पे लेके जाऊंगा। अभी मुझे और स्पीड चलना है, अभी गाड़ी चल रही है 40 के आसपास, 40 अभी 50 जाने वाली है, तभी फोर्थ गियर पे हम डालेंगे। ये हम गए फोर्थ गियर पे, देखिए क्रॉस करने, जब 60 जब हम क्रॉस कर रहे आते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है फिफ्थ गियर की, वो हाईवेज वगैरह में की जरूरत पड़ती है। अभी तो ये नॉर्मल रोड है तो इस पे फिफ्थ गियर नहीं है, फिर भी एक बार मैं डाल के दिखा देता हूँ फिफ्थ गियर का क्या सीन है। बस ऐसे करना है, ऐसे, और ये फिफ्थ गियर जो साइंस है आप ये देखिए और आपको पता चल जाएगा। तो ये था वीडियो, मेन है जब जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स को, वो क्लच नहीं छोड़ पाते हैं। जो बंदे बाइक चलाते हैं उन्हें तो पता रहता है कि कैसे, और जिन्हें विदाउट क्लच जो स्कूटी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई जो भी लड़का है लेफ्टी जो भी स्कूटी वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो उनका क्या है कि उन्हें क्लच वगैरह की समझ नहीं रहती है। तो क्लच है, धीरे धीरे उसको छोड़ना, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तब उस टाइम ऐसा किया जाता है कि धीरे धीरे गाड़ी क्लच को आपको छोड़ना रहता है और हल्का 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 एक्सीलेटर देना पड़ता है, बस ऐसा है। लेकिन अभी भी ये जो न्यू कार लेते हैं, फिर अच्छी कंडीशन में आपकी कार है, तो आप सिर्फ क्लच को भी आप अगर छोड़ोगे तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी, फिर आप सेकंड गियर दो, थर्ड, फोर्थ, एंड रिवर्स के लिए अभी सिंपल ही सीखो एंड रिवर्स में अभी मत जाओ। रिवर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो किसी के भी कार में। एंड अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।